नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर से मुंबई की ओर आने वाली जयपुर मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस में पालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाला एक कांस्टेबल ने पहले अपने सीनियर पर गोली चलाई, बाद में यहाँ वहाँ गोली चलाई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हुई। हाँ, तपास किंवा ही घटना जी या घटनेतलं जे सत्य आहे हे सत्य अत्यंत सखोलपणे आणि अत्यंत ऑब्जेक्टिव्हली शोधून काढणं आणि त्याबद्दल मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतोय, पुन्हा मैं आपको बता दू की जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब इट इज व्हेरी व्हेरी स्पेशल इन इट्स ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हम कह सकते हैं कि ट्रेन में इस तरह की घटना हुई है। और ये घटना घटने के बाद में इस घटना में कितने लोग होंगे जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग जो है मतलब वो खुद जो उसमें कांस्टेबल है वो हमारे कब्जे में है। और 5-6 घंटे बाद अगर मैं आपको किसी भी चीज़ की पुष्टि करूं और किसी भी चीज़ के बाद में रूल आउट करूं तो मेरे लिए इमैच्योर होगा। एंड दिस इज मैं आई एश्योर यू दैट व्हाटएवर मटेरियल वी गेट वी विल एग्जामिन इट। मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इस स्टेज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले उनके पास छानबीन करनी होगी, वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजन है और घटना किस क्रम में हुई, इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने मगापासून सांगतोय की FIR रजिस्ट्रेशन स्टेजला जी माहिती आपल्याला द्यायला हवी, घटना कुठून घडली, काय झालं, त्याला कसं पकडण्यात आलं, इथपर्यंत मी आपल्याला माहिती दिलेली आहे। या स्टेजला कुणाचे स्टेटमेंट्स काय आहेत हे डिस्क्लोज करणं हे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमच्या सेट जे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे त्यात बसत नाहीत, आणि त्यामुळे या क्षणाला मी आपल्यासोबत कोणत्याही इतर गोष्टी शेअर करू शकत नाही। परंतु जो तपास होईल तो अत्यंत ऑब्जेक्टिव्हली वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं आणि अत्यंत सखोल होईल याची मी आपल्याला खात्री देतो। ज्या प्रश्नांची उत्तरं मी दिलेली आहे तीच सके जिन सवालों के जवाब मैंने इसके पहले दे चुके हैं वही सवाल अगर आप अलग अलग तरीके से पूछोगे तो मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। किसी भी चीज के कंक्लूजन में जाने के लिए छानबीन करना जरूरी है और उस वजह से हर चीज को कोलैबोरेट किया जाएगा, हर चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा और उसी के बाद में अब हम लोग कुछ आई थिंक द फायर इंसिडेंट जो है जो इंसिडेंट हमने बताया है 4 लोगों की मौत बताई है, घटना कहाँ से कहाँ शुरू हुई, गाड़ी उसे कहाँ पकड़ा ये बताया, और इस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नीड टू नो बेसिस पे आपसे साथ शेयर हुई है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आती है वो चीजें वो इस वक्त बताना मिलेंगे। एस्कॉर्टिंग के लिए जो वेपन होता है उसमें एक के पास में 9mm पिस्टल होता है और एक के पास में AK-M होता है, AK-47 का वर्जन। अभी FIR दर्ज हो रहा है, इसके बाद में जो भी रहेगा जो अपडेट है वो हम प्रेस रिलीज के जरिए आपको मिलेगा।